हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मंडियों में खरीद को लेकर सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन मंडियों के अंदर किसान आज भी परेशान नजर आ रहे हैं और किसानों की तरफ से आज भी अपनी परेशानियों को साझा किया जा रहा है। दरअसल ताजा मामला पुराना से सामने आया, जहां अनाज मंडी में बाजरा के अलावा कोई भी फसल सरकारी दामों पर नहीं खरीदी जा रही है। इसके चलते किसानों को कपास आदि की फसल सस्ते दामों में बेचनी पड़ रही है। जिन किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्री नहीं कराई, उन किसानों की फसलों को भी आढ़ती सस्ते दामों में ही खरीद रहे हैं। पुराना अनाज मंडी के प्रधान मंगतराम ने बताया कि अनाज मंडी में कपास धान की सरकारी खरीद नहीं की जाती है। ये है कि फसल उठी चुकी है तो ये जल्दी से जल्दी बिके, क्योंकि जमींदार तंग रहता है, इसके पेड़ मकान पूरा नहीं है, बाहर फसल उठा के भीजती है, बरसात का मौसम कभी बरसात हो सकती है, उसके लिए फसल जल्दी से जल्दी जमींदार की बिकनी चाहिए। ये धान का रेट है 15.09 का या 1900 रुपए का जी, नीचे में बिकता है ये 1700 रुपए जी। अच्छा, जो परमल यहाँ आता नहीं है, न 11 21 आता है, तो एक ही वैरायटी आती है, केवल 15.09।